एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका विथ हैरी। और मैं हूँ प्रियंका। तो गाइस, आज बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे हैं हम लोग। मतलब हल्का फुल्का सेलिब्रेशन होगा, बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि कल था 12 मई और कल मेरा बर्थडे था। बट कल ना सेलिब्रेशन हो नहीं पाया। केक कट किया था हमने, मगर हल्का सा, मतलब खाली केक कट किया था। बाकी कल ना मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। कल मेरी थोड़ी सी नहीं, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से ना फिर खाली केक काट ना हो पाया और कुछ भी नहीं। मतलब मैंने रो रो के केक काटा कल। कल मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसीलिए फिर ऐसे ही हो गया था। तो आज जो है, मैंने कोई पिक्चर्स फ़ोटोज़ वगैरह कुछ भी नहीं खींची और वीडियो भी नहीं बनाई। तो आज फिर दोबारा जो है हल्का फुल्का सेलिब्रेशन करेंगे केक काटने का। और कल तो मैंने तैयारी यार भी नहीं हुई थी, ऐसे ही मतलब कर दिया था, क्योंकि कल मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। बट कल जन्मदिन था, इसलिए हल्का फुल्का सेलिब्रेशन कर लिया। और आज भी होगा सेलिब्रेशन, मतलब हल्का फुल्का होगा, ज़्यादा कुछ नहीं, खाली केक काटेंगे। आज मेरी तबीयत भी ठीक है, तो इसीलिए केक काटेंगे आज भी। और मैं तैयार हो रही हूँ, अभी बाल बाल नहीं बनाया मैंने। और मैंने ना आज टॉप पहन लिया है। मैंने बर्थडे के लिए कोई ड्रेस भी नहीं ली, क्योंकि इस बार मेरा बिल्कुल मन भी नहीं था। और ये टॉप मैंने लिया था, 2 साल हो चुके इस टॉप को, 2 टॉप लिए थे मैंने, बट दो साल हो चुके मैंने आज तक इनको मतलब पहना नहीं। आज मैंने पहली बार पहना है इसको, 2 साल से बस यूं ही रखा हुआ था। तो गर्मी बहुत हो रही है, जीन्स टॉप के साथ मैं जीन्स और पहन लिया है और ऊपर टॉप पहन लिया। तो मैं जल्दी से जो है बाल बाल बना लेती हूँ, फिर मिलती है आपको। सो गाइस, रेडी होके आ चुके हैं और मैंने ना ज़्यादा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना। और मतलब गर्मी में ना कैंडल जलाने में भी और जो है पंखे से वो जाता है ना, भूसा जाता है, तो पंखा में थोड़ी देर के लिए कम करना पड़ा। और हल्का फुल्का तैयार हो चुकी हूँ और हस्बैंड जी और अंशु जो है बैलून लगाने में लगे थे, जो कि फटते जा रहे थे। हल्के फुल्के पंखा, इतनी गर्मी है, पंखा चलाना ही पड़ रहा है, और पंखा चला रहा है तो बैलून फटने लग जा रहे हैं सारे के सारे। और बैलून भी हमने ना कम, मैंने मना कर दिए थे लगाने के लिए बैलून। वैसे 2 पैकेट बैलून के बचे हुए थे, तो अंशु और हस्बैंड जी लगे हुए थे तैयारी करने में। एक तो इतनी गर्मी हो रही थी, वैसे परेशान भी हो रहे थे, और फिर जो है डेकोरेशन करने में ना काफ़ी टाइम भी लग जाता है, पहले से ही करना पड़ता है। और शाम को कुछ काम था हस्बैंड जी को, इसीलिए जो है वो अभी आए, तो मैंने कहा चलो रहने दो, डेकोरेशन जितना है उतना ही काफ़ी है। तो ज़्यादा बड़ा सेलिब्रेशन नहीं है, कोई भी नहीं है फैमिली से, खाली हम 3 जन हैं, तो हम 3 मिल के जो है हल्का फुल्का सेलिब्रेशन करेंगे। और कल की बर्थडे की ना ये कल का केक है जो कल लेके आए थे। और कल ना फ़ोटो भी 1-2 फ़ोटो खींची थी, जिसमें मैं रो रही थी, मुँह ना बहुत बेकार सा हो रखा था, बिल्कुल बिस्तर से उठ के मैंने केक ही काटा था, इसीलिए मैंने पिक्चर्स जो है शेयर नहीं की। कल के वेंडिल सब लगा दिए हैं। और ना आज जो है मैंने कहा छोड़ो क्या मनाएं, मेरा बिल्कुल भी मन सा भी नहीं हो रहा था कि जो है बर्थडे के दिन ही ज़्यादा अच्छा लगता है ना सेलिब्रेशन करने में। बट अंशु को हो रहा था, मम्मा अगर पापा कह रहे हैं तो मना लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। अंशु बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, तो उसी के ही वजह से मैंने कहा चलो जो है पिक्चर्स वगैरह भी नहीं है, वीडियोज़ नहीं है, तो सेलिब्रेशन आज मुझे थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा था। कल तो चक्कर सा आ रहा था, बिल्कुल खड़े ही नहीं पा रही थी, दवाई वाई ले ली थी मैंने, तब जाके मैं आज ठीक थी। और आज मैं बहुत खुश भी थी, पता नहीं क्यों आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि बर्थडे जो है जैसा भी था मगर अच्छा लगता है ना फैमिली के साथ, अपनों के साथ।
और अंशु को बनाया था हमने अपना कैमरा मैन, जो कि हमारी पिक्चर्स ले रहा था और पिक्चर्स लेने में बहुत टॉटिंगी करता है। और मैं ना बता रही कि बहुत ज़्यादा खुश थी, मुझे अभी मैं वीडियो देख रही तो मुझे बहुत हंसी आ रही है खुद को देख के। और जो है वहाँ पे ना बर्थडे वाली टोपी भी रखी हुई है, जो कि मुझसे पहनने के लिए कह रहे थे, बट मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। अंश कह रहा था मम्मा आप टोपी भी पहनो। तो गाइस बर्थडे जो है केक वेक काटने की तैयारी भी हो चुकी है और काफ़ी अच्छा लगा मुझे। मैंने जैसा भी था जो भी था काफ़ी इन्जॉय किया। तो गाइस केक काटने के बाद केक खाने की भी तैयारी आप ही कर ली है। केक ना पिघल सा रहा था तो मैंने कहा चलो खा लेते हैं केक और आप लोग भी खा लीजिए गाइस। तो हस्बैंड जी जो है ना उन्हें केक बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, बट आज उन्होंने ना मतलब थोड़ा सा पहली बार खा लिया, वरना वो केक खाने की बात तो दूर केक चखते भी नहीं है। तो जो भी था केक एक कट कर लिया है और केक कट करके केक खा भी लिया है। कल का केक जो है मैंने दीदी के वहाँ भी भिजवा दिया था और आज का केक तो खैर छोटा सा था, तो सब कुछ कंप्लीट हो गया है। और खाना पीना जो है ना क्या हुआ, खाना पीना जो भी था मैं पहले ही बना चुकी हूँ, आज टाइम पे ही बना लिया है मैंने खाना पीना, सब कुछ बन के रेडी हो चुका है। और ना तो इसको उतारो, क्या चीज़, पहले शर्ट की बटन तो उतारो। तो अब पारी है कपड़े अपड़े चेंज कर लेते हैं, गर्मी मतलब इतनी गर्मी हो रही है ना, उतारो ना। हैप्पी बर्थडे टू यू मम्मा, आपको कैसा लग रहा है? थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। दो दिन सेलिब्रेशन हो गया हमारा बर्थडे का, आपको कैसा लग रहा है ये बताओ। मैं तो बर्थडे मना ही नहीं रही थी, अंशु ने जबरदस्ती, अंशु की वजह से जबरदस्ती मनाना पड़ता है, मेरा बर्थडे मनाने का बिल्कुल मन नहीं था। अंशु को होता है ना केक खाने और अंशु बहुत लालची है अंशु बहुत लालची है, अंशु को केक खाने की पहले होती है। तो मत कहना मेरा चेहरा ऐसा आ रहा है। अरे मेरी यार की शादी, मम्मी को कोई तुक्को ना। चले बताओ बर्थडे गिफ्ट क्या दे रहे हो फिर आप मुझे? मैं कह तो रहा था, अभी दिया तो था। क्या दिया था? एक फोन है, अभी बजाओ। अंश के कितने सारे प्राइस हो गए? 10 प्राइस हो गए मेरे एक दिन में। दिन चल पार्टीज ओवर, सब कुछ कम्प्लीट हो गया है, कपड़े पड़े चेंज कर लेते हैं क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है। एक ये मुझे मिला था और एक अंशु को मिला था और ये मदर्स डे पे पिछले साल मुझे मिला था। वो मदर्स डे का नहीं है। मदर्स डे का कौन सा वाला? ये था मदर्स डे पे, ये वाला मिला था और ये अंशु डांस में थर्ड आया था और ये फर्स्ट आया था तब का है। और मम्मी पीछे को मत होना, ये मुझे मिला था, ये भी मुझे मिला था, ये मुझे परसों मिला था। तो पता नहीं मुझे याद नहीं किस किस चीज में मिले थे। और ये भी फर्स्ट आया था तब, और ये भी फर्स्ट आया था तब। अब जो है टाइम हो चुका है वीडियो का एंड कर लेते हैं, खाना ना खा लेते हैं,
कपड़े पे चेंज करके खाना ना खा लेते हैं। और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करना, और अगर मेरे चैनल पे पहली बार हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और ये वीडियो ना मेरी थोड़ी सी लेट जाएगी क्योंकि बर्थडे मेरा कल था और मैंने कल भी मनाया था ऐसे लोग का, और आज मेरा बर्थडे नहीं है बट कल नहीं हो पाया इसलिए आज करा। और ये वीडियो जाएगी मेरी कल यानी 12, 13, 14 को जाएगी, यानी कल 14 है ना, कल 14 को जाएगी ये वीडियो। तो अभी जो है वीडियो का एंड करते हैं और मैं मिलूँगी आपको एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।